हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम आज का लॉक चालू कर रहे हैं मेरे घर से। तो बेसिकली आज का प्लान है कि सत्तरी वाटरफॉल जाने का। मैं उसे कहूँगा वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ गोवा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑफ गोवा। तो एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है। सोहेल बाबा और गाइस, ये मेरा दोस्त है, मुझे पिक करने आया है। तो हम चले आज वाटरफॉल के लिए। हाँ गाइस, हम एक्चुअली अभी वॉल पे पहुंच चुके हैं, और इधर आपको जब एंटर करते हो तब पास निकालना पड़ता है। सो गाइस, इधर हमने अभी गाड़ी लगाई है एंड वी आर स्टार्टिंग आवर ट्रैक फ्रॉम हियर। व्हाट आई नो इज द ट्रैक इज ऑफ वन एंड हाफ आवर। आई डोंट नो द एग्जैक्ट किलोमीटर हाउ लॉन्ग इट इज। सो व्हाट आई नो इज वन एंड हाफ आवर इज द ट्रैक। So let's see how it goes. पूरा प्रॉपर वे है एक्चुअली। बेसिकली जो मैंने सुना था पूरा जंगल है सुना था, मगर अभी तक तो हमको अच्छा रास्ता मिल रहा है इधर। सो गाइस, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम अराउंड 8:30 निकले थे मड़गांव से, और हमको 1.5 आवर लगा इधर वाड़पे में पहुंचने के लिए। और अभी 10 बजे हम ट्रैक चालू कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 1.5 आवर का डिस्टेंस है। तो यह है नेचर का आर्ट। गाइस, ट्रैकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ट्रैकिंग करते हुए ध्यान रखें कोई कचरा या डोंट लेट योर वेस्ट स्टे बिहाइंड। प्लीज डोंट लेट योर वेस्ट स्टे बिहाइंड, बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रिजर्व दिस नेचर फॉर आवर यंगर जनरेशन, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हम ही सब ये यूज़ करके ख़त्म कर देंगे तो आगे का जनरेशन क्या करेगा? हम ये सब कार्बन फुटप्रिंट छोड़ देंगे को तो फ्यूचर जनरेशन को शायद ये देखने भी नहीं मिलेगा। तो हमको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जितना हम इंजॉय कर रहे हैं उतना ही उन्होंने इंजॉय करना चाहिए। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जितना हम इंजॉय कर रहे हैं वो सब हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन छोड़ के जाना चाहिए। अभी ये नया नया ही ट्रैक है, सो उतना ज़्यादा लिटर नहीं है, मगर वैसे भी थोड़ा लिटर हुआ है। सो प्लीज़ प्रिजर्व नेचर, सेव अर्थ, सेव एनवायरनमेंट, सेव गोवा। आपको बीच में ये
स्नेक के घर भी मिलेंगे। आपको उनको हाथ नहीं लगाना है, बेसिकली नेवर टच देम। ये ट्रैक पे कभी इंक्लाइन और आपको डिक्लाइन भी मिलेगा, तो सरप्राइज मत होना कि आपको डिक्लाइन मिला दो, क्योंकि बीच में ही नीचे जा रहा है ये ट्रैक, तो ऐसा ही नहीं कि हर ट्रैक ऊपर जाता है। और गाइस लगता है हाफ ट्रैक हो चुका है। एक्जैक्टली मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, मगर बहुत जोश में है सब, दिलदार है और इजीली कर पाएंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। और आपको ये नदी भी क्रॉस करनी पड़ेगी, एक बारीक से वॉटरफॉल से आसा हाँ, तो तुमका क्रॉस करवा पड़ा सातारी इतना। अभी ये भी मैंने सुना था कि जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ एक टाइगर केव मिली थी, और मैं ये एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ, तो चलो चलते हैं आगे, लेट्स गो। गाइस लगता है पहुंच चुके हैं, पानी की आवाज़ आ रही है और बहुत सारा साउंड आ रहा है, वाटरफॉल का आवाज़ आ रहा है अभी इधर, तो लगता है हम पहुंचने ही वाले हैं। मे बी एक 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे होगा। और गाइस दिस इज इट, दिस इज द ज्वेल ऑफ गोवा इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज द ट्रैक, दिस इज द क्राउड।